हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इसे देखिए, आप लिख पाएंगे आई इज इक्वल टू और साइन एक्स टू द पावर 8 को आप लिख लें साइन एक्स टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स पावर 4 होल टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा भी नहीं। इसको आप लिख पाएंगे साइन एक्स होल टू द पावर 4 माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहां आप फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें लगाया फॉर्मूला में। इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ये वन नहीं लिखेंगे आप क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है। तो दिस यू कैन नॉट राइट वन। अब देखिए, ये तो आपका वन हो जाएगा, कौन सा वाला पोर्शन, दिस विल बी वन। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस टू एक्स। तो आई इज इक्वल टू, मैंने माइनस लिया कॉमन तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा वाला जो है वो बन गया इंटू वन। तीसरा बन गया हमारे पास, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो टू ए बी को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो इस तरह से हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आप इसको ए माने इसको बी, तो क्या बनेगा ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस टू ए बी टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमने जो यूज किया उसको लिख दें, ये यूज किया हमने, वी हैव यूज्ड दिस। अब देखिए क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस टू एक्स, वन इंटू में तो गायब हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये इससे कैंसिल, अब किसका इंटीग्रल बचा हमारे पास, इंटीग्रल बचा है माइनस कॉस टू एक्स का, तो हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज टू प्लस सी। इस तरह से आपने देखा, बड़ा ट्रिकी सवाल है, बार बार उसी उसी तरह की चीज करते गए और हमें टेंथ क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। तो आप इसी तरीके से अपने दोस्तों से बात करें, इसी क्वेश्चन सॉल्व करें और उनसे शेयर करें और मुझे लिखें।